इतनी बदनामी हुई है पाकिस्तान की, आप सोशल मीडिया उठाकर देखें अनवार, तो आपको अंदाजा होगा कि भारतीय शायकीन क्रिकेट जो है वो कितना ज्यादा ट्रॉल कर रहे हैं, कितने ज्यादा ताने दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर आखिर आईपीएल भी हुई, प्रोदा अपनी पीक पर था तो उन्होंने तो बड़े अच्छे एसओपीज बनाए थे। बैन अल-अक्वामी क्रिकेटर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा हमारी फैमिली जो है हमारे लिए फिक्रमंद है, हम अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। पहले हम एक टाइम पे हम बातें करते थे कि बिग बैश खेलने जाएंगे तो बड़ा ऑनर है, इंग्लैंड खेलने जाए तो बड़ा ऑनर है, साउथ अफ्रीका खेलने जाए बहुत बड़ा ऑनर है। आज हम बात करें पड़ोसी मुल्क में जाओ, हर बंदा वहां जाने के लिए दौड़े, और चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, चाहे COVID-19 हो, अभी वो लीग शुरू करें, हर बंदा वाके जाएगा वहां। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। एक बार फिर पाकिस्तान में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट की बैंड बज गई है। इस साल भी यह टूर्नामेंट पूरा नहीं हो सका। खिलाड़ियों में लगातार बढ़ते हुए कोविड के केसेस को देखकर इस टूर्नामेंट को निलंबित कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में अब तक खिलाड़ियों में 10 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। टूर्नामेंट के निलंबित होने के बाद एक दूसरे को दोष देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस टूर्नामेंट की दो टीमों ने होटल और बाकी व्यवस्थाओं को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इंडियन प्रीमियर लीग की उदाहरण दे रहा है कि देखो कैसे भारत ने आईपीएल कोविड के दौरान सफलतापूर्वक करवा लिया था। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस टूर्नामेंट के निलंबित होने पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। के हिसाब से 9 प्लेयर्स या सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, 9 ऐसे लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए। अगर मैं बात करूं, पीएसएल 6 पोस्टपोन हो गया, हम पीएसएल 5 में एक दफा ये सफर कर चुके हैं, मगर उस वक्त हाथी निकल गया था, पूंछ रह गई थी खाली, सिर्फ हमारे प्लेऑफ्स रह गए थे, बट अभी तो आधा पीएसएल भी नहीं हुआ था। जहां बात कर रहे हैं कि देखिए, जब आपकी मुल्क में ऐसी लीग्स होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट आती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो आपकी खुशहाली आती है। हम सिर्फ यहाँ ये बात नहीं करेंगे ये एक क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है और बस वो आते हैं और हल्ला गुल्ला होता है, दैट इज नॉट लाइक दैट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, आपको बिजनेस मिलता है, आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, आपको एयर टाइम मिलता है। ये अगर हम एक और लीग की जो पड़ोसियों की लीग है, हम उनका नाम नहीं लेते, अगर आप देखें तो 2 से 3 साल उन्होंने सफर किया और उसके बाद उसी लीग ने टॉप के प्लेयर देना उनको शुरू किए। एग्जैक्टली। और आज वो टॉप की कंट्री है। हाँ। वो टीम स्ट्रांग होती चली गई, उनकी टीम कहां से कहां चली जाती है, और बाजू कर हमें उनकी मिसालें देनी पड़ रही। और आप भी बैठ के मैं और आप यही मिसालें उनकी मिसालें दे रहे हैं, तो कैसे हुआ उनकी वो जो लीग शुरू हुई उसके बाद क्या हुआ, आज वो कहां स्टैंड करती है। आज दुनिया का हर प्लेयर चाहता है कि वो वहां चला जाए, पड़ोसी मुल्क में चला जाए, फौरन चला जाए, चाहे कहीं जाए ना जाए, वो कहते हैं जी वहां से। पहले हम एक टाइम पे हम बातें करते थे कि बिग बैश खेलने जाएंगे तो बड़ा ऑनर है, इंग्लैंड खेलने जाए तो बड़ा ऑनर है, साउथ अफ्रीका खेलने जाए बहुत बड़ा ऑनर है। आज हम बात करें पड़ोसी मुल्क में जाओ, हर बंदा वहां जाने के लिए दौड़े, और चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, चाहे COVID-19 हो, अभी वो लीग शुरू करें, हर बंदा वाके जाएगा वहां पे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज अगर हम ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, दिस इज, मतलब कि आप, मैं कहता हूँ ये डर्टी चीजें हैं जो हमने करी, अब इसको एक्सेप्ट करें। वेलकम बैक। खेल के मैदान से बुरी खबर ने आज शायकीने क्रिकेट के दिल उदास कर दिए हैं। खिलाड़ियों में कोरोना के बढ़ते हुए केस के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का 6वां एडिशन मुलतवी हो गया है। इस हवाले से आज दोपहर पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये पैगाम शेयर किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की मंसूखी के बाज़ाब्ता ऐलान से कबल परेशान कुन खबरें सामने आती रहीं। पहले बताया गया कि अब तक 7 खिलाड़ी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिसकी बदौलत कराची किंग्स के ऑस्ट्रेलिया पीएसएल को छोड़ चुके हैं। पीसीबी की जानिब से उनके छोड़कर जाने की तस्दीक भी की गई। बाद अजां खबरें सामने आई कि कोरोना के बायस कराची किंग्स के मेंटो वसीम अकरम भी लीग से अलहदा होने का फैसला कर चुके हैं। बाद अजां पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीएसएल का अल्तवा पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है। तानवी खिलाड़ी एलेक्सेल्स गैर मयारी खाने की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, जिस पर इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया सार्फीन पीसीबी की ट्रोलिंग कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल और पीसीबी की गफलत के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये एक ऐसा बायो सिक्योर बबल था कि कोरोना पीएसएल को ले डूबा। पीएसएल अब हम देख रहे हैं कि जो 6वां एडिशन था नहीं हो पाएगा, कोरोना फैल गया, केसेस बढ़ गए, पीएसएल मुलतवी हो गया, शायकीन काफी नाराज हैं, क्या देख रहे हैं, किसकी गफलत है? देखिए, इसमें अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को के जिसके बैनर तले ये पाकिस्तान सुपर लीग जिम्मेदार करार दिया जाएगा, ठीक है।
कोरोना के SOPs की पाबंदी नहीं की खिलाड़ियों ने, वो तो कसूरवार है ही, लेकिन जिन लोगों ने ये बायो सिक्योर बबल बनाया था, ये सिक्योर तो कहीं से था ही नहीं। किस तरीके से खिलाड़ी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और किस तेजी के साथ कोविड के केसेस सामने आए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से एक वाज़े हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए थी। जो प्रोजेक्ट हेड हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, बाबर हामिद साहब, वो PCB के डायरेक्टर कमर्शियल भी हैं, उन्होंने कभी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया शोएब नवीद के इस्तीफे के बाद। कितनी बदनामी हुई है पाकिस्तान की, आप सोशल मीडिया उठाकर देखें अनवार, तो आपको अंदाजा होगा कि भारतीय शायकी ने क्रिकेट जो है वो कितना ज्यादा ट्रॉल कर रहे हैं, कितने ज्यादा ताने दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के एंथम की टर्की में शूटिंग कर सकता था, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्चा करके होटल पूरा नहीं बुक करा सकता था? बहुत सारे मामला आते हैं। मैं समझता हूँ किसी ना किसी का जो है वो हेड रोल होना चाहिए, क्योंकि ये गफलत है और इस गफलत से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है। तो इकबाल साहब, इतना बड़ा इवेंट था, नहीं करवा सकते थे, नहीं मैनेज कर सकते थे, क्यों शुरू किया गया? इंतजाम अगर नहीं हो सकते थे, पहले ही मुलतवी कर देते, ऐसे सारी दुनिया को क्यों बताया गया कि हम नाहल हैं, हम ये इवेंट नहीं करवा सकते? कोविड तो पहले भी था। तो आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर समझते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की आंखों में धूल झोंक कर हम मुबर्रा हो जाएंगे, तो ये सरासर गलत है। मैं समझता हूँ इसका नोटिस लेना चाहिए PCB के चेयरमैन एहसान मानी साहब को। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास होता है, PCB के ऑफिशियल्स की फौज है, जफर मौज यहाँ कराची में मौजूद थी, जॉय ट्रिप पर आए हुए थे, और जो SOPs की पाबंदी नहीं करा पा रहे, तो कौन है इसका आखिर जिम्मेदार? तो एक बात से बायोसिक्योर बबल के चर्चे किए जा रहे थे, हफीज को इसी वजह से निकाला गया, तो कैसा बायोसिक्योर बबल है ये कि कोरोना अंदर दाखिल हो गया? ये ऐसा बायोसिक्योर बबल है कि खिलाड़ी जो है वो सीढ़ियों से भी उतर रहे थे। आपने भी एलेक्स हेल्स का दिखाया कि खाने के लिए प्रॉब्लम थी, फिर फूड जो थी बाहर से भी आ रही थी, और उसी होटल में कमर्शियल भी शूट हो रहा था, बाल लोग कहते हैं शादियां भी हो रही थी वहां पर, इंटरेक्शन हो रहा था। अगर आपका इंटरेक्शन हो रहा है तो हाउ कैन यू कॉल इट अ बायोसिक्योर बबल? ये सिक्योर तो हुआ ही नहीं, वो बबल बस्ट हो गया। आखिर IPL भी हुई मुत्तहिदा अरब अमारात और प्रोदा अपनी पीक पर था, तो उन्होंने तो बड़े अच्छे SOPs बनाए थे। ये फरमाएगा अब आगे भी आने वाले इवेंट्स थे, जो सीरीज थी, अब PSL में नाकामी का सामना करना पड़ा है, मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, SOPs को फॉलो नहीं किया जा सका, जो दूसरे ममालिक के साथ क्रिकेट होनी थी पाकिस्तान में, उसका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? सवालिया निशान है उसके मुस्तकबिल के हवाले से कि अब इंग्लैंड की टीम को, चूंकि वो वर्ल्ड T20 खेलने जाएगी भारत, तो इंग्लैंड को पाकिस्तान आना था। हम बड़ा वावेला मचा रहे थे कि इंग्लैंड की टीम को सिर्फ 5-6 दिन के लिए उसे पाकिस्तान आना था, प्रैक्टिस मैच T20 मैच खेलकर उसने भारत चले जाना था। उसके अलावा दीगर टीमें भी अब खौफजदा होंगी। बैनल अक्वामी क्रिकेटर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मेल की आज अपने फ्रेंचाइज ओनर्स को, और उन्होंने कहा हमारी फैमिली जो है हमारे लिए फिक्रमंद है, हम अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं।